क्या शिंजो आबे की मौत एक साजिश है? चीन आबे के परमाणु वाले बयान से डरा था। शिंजो आबे ने परमाणु पर ऐसा क्या बोला कि 4 दिन बाद हुई उनकी मौत? सीडीएस विपिन रावत ने चीन पर बोला तो 4 घंटे बाद हेलीकॉप्टर क्रैश। विपिन रावत से चीन को सीमा पर दिक्कत थी। रविवार को शिंजो आबे ने परमाणु पर ऐसा क्या बोला कि 4 दिन के बाद उनकी हत्या हो गई? सीडीएस विपिन रावत ने चीन के बायोलॉजिकल वार पर बोला तो 4 घंटे बाद हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। विपिन रावत से चीन को सीमा पर दिक्कत थी। शिंजो आबे के परमाणु वाले बयान से चीन डरा हुआ था। चीन के खिलाफ जिसने भी बोला वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सका। क्या भारत से लेकर जापान तक चीन साजिशें रच रहा है? यकीनन आप सुनकर हैरान होंगे कि आबे ने चीन के खिलाफ बोला तो 4 दिन जिंदा नहीं रहे, और सीडीएस विपिन रावत ने बायोलॉजिकल वॉर पर बोला तो उसके 4 घंटे बाद ही उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इन दोनों घटनाओं को इसलिए जोड़ा जरूरी है क्योंकि दोनों दुश्मन देशों के खिलाफ मुखर थे। आप सोच रहे होंगे कि क्या विपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश में चीन का हाथ है, तो वो आपको बताएंगे। उससे पहले सुनिए आबे से चीन इतना चिढ़ता क्यों था। जैसे हिंदुस्तान के नेता चीन के खिलाफ बोलते हैं, वैसे ही जापान में शिंजो आबे चीन के बहुत बड़े विरोधी थे। आबे चाहते थे जापान की सेना मजबूत हो और अमेरिका से परमाणु हथियार बनाना भी सीख ले। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान पर कई तरह के प्रतिबंध लगे। जापान सेना और परमाणु के मामले में पीछे है। जापान चाहे तो एक रात में परमाणु संपन्न देश बन सकता है, 6,000 से ज्यादा हथियार बना सकता है, क्योंकि जापान की सीमा चीन से लगती है। इसलिए चीन नहीं चाहता जापान अपना सैन्यकरण कर पाए। जब से आबे संविधान में बदलाव की बात कर रहे थे, चीन इस बात को लेकर चिढ़ता था। वो शिंजो ताइवान के समर्थन में भी थे। शिंजो आबे ने कवायद का गठन कर चीन को सबसे बड़ी चुनौती दे दी थी। कवायद में भारत के साथ साथ 4 बड़े देश हैं। ऐसे में चीन साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। शिंजो की मौत के बाद चीन में जश्न है। अब आप सोच रहे होंगे कि चीन को उससे क्या मिला, तो ये भी समझ लीजिए। तो ये तय था कि जापान परमाणु संपन्न देश बन जाता, फिर चीन की दादागिरी नहीं चल पाती। जापान अपने मिलिट्री को मजबूत करता और चीन को चुनौती देता, इसलिए हो सकता है साजिशन ऐसा हुआ हो। हालांकि इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। कुछ ऐसी ही कहानी भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के बारे में भी कही जाती है। जनरल विपिन रावत का जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उससे पहले भी रावत जैविक युद्ध को लेकर आशंकाएं जता चुके थे। उन्होंने कहा था एक नए प्रकार की युद्ध नीति आकार लेने लगी है। जैविक युद्ध नीति, हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। खुद को मजबूत करें ताकि हमारा देश इससे फैलाई जा सकने वाली बीमारियों और वायरस की चपेट में ना आए। उससे पहले जनरल रावत ने ये भी कहा था कि भारत एक साथ पाकिस्तान और चीन से युद्ध लड़ने में सक्षम है। उनके रहते भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर दुश्मन देशों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कई ऑपरेशन भी चलाए। जनरल रावत के निधन के बाद ग्लोबल टाइम्स ने जनरल रावत को चीन का दुश्मन भी बताया था। तब भारत के रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चिल्लानी ने कहा था कि जनरल रावत की मौत तो 2020 में हेलीकॉप्टर हादसे में कई समानताएं हैं। इस क्रैश में ताइवान के सेना प्रमुख जनरल सैन वी मिंग और 7 जनरलों की मौत हो गई थी। इन दोनों ही हेलीकॉप्टर हादसे में चीन के आक्रामक रवैये का विरोध कर रहे कई अहम लोगों की मौत हुई। कई लोगों ने यह भी कहा कि जनरल रावत का हेलीकॉप्टर इतना शानदार था कि उसके एक्सीडेंट का सवाल ही नहीं बनता। ऐसे में उसे साइबर हमले का निशाना बनाया गया होगा, इसकी शंका है। हालांकि अब तक इन दावों को लेकर कोई पुख्ता रिपोर्ट सामने नहीं आई, लेकिन ऐसा माना जाता रहा है कि चीन अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने की योजना पर काम कर रहा है, वरना उनके खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने वाले लोगों पर हमला ना होता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।